हेलो, ये चैप्टर है 13.3 क्वेश्चन 6 को देखते हैं। बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। यानी एक घनाभ है इतने बीमाओं वाला। अब इस मतलब ये बीमाओं वाला एक घनाभ बनाना है, तो उस घनाभ को बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाला सिक्का है, तो उस घनाभ को बनाने के लिए कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6, सिक्का है, मतलब ऐसा सिक्का है एक, इसका जो आर है वो है 1.75 सेंटीमीटर, सॉरी डी है ये, तो आर हो जाएगा 0.875 सेंटीमीटर, और इसका एच है 2 मिलीमीटर। तो सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो 2/10 यानी 0.2 सेंटीमीटर। तो उस बीमाओं वाले घनाभ को बनाने के लिए इस सिक्के को, मतलब इस जैसे सिक्के को कितना पिघलाना पड़ेगा कि वो घनाभ बन जाए। अब मान लेते हैं कि वो घनाभ बनाने के लिए हमें 10 सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, तो 10 इंटू एक सिक्के का आयतन, 10 इंटू एक सिक्के का आयतन बराबर होगा उस घनाभ के आयतन के बराबर, क्योंकि 10 सिक्के को पिघलाएंगे तो 10 धातु के बराबर वो उसका बीमा उस घनाभ का धातु के बराबर होगा, तो दोनों का आयतन सेम होगा। तो हमें पता नहीं है कि कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, वही हमें निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना सिक्का को पिघलाना पड़ेगा बराबर x। हमें अभी पता नहीं है कि कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, तो मान लेते हैं x सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। तो फिर दोनों का आयतन तभी सेम होगा, x इंटू एक सिक्के का आयतन, x इंटू एक सिक्के का आयतन बराबर होगा किसके बराबर, उस घनाभ के बराबर, मतलब घनाभ के आयतन के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि जितने सिक्के पिघलाया जाएगा उस धातु के उस मतलब उस धातु से ही वो घनाभ बनेगा, तो दोनों का आयतन सेम होगा। तो x इंटू एक सिक्के का आयतन यानी इस बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, घनाभ का आयतन होता है एल इंटू बी इंटू एच, एक्स इंटू पाई 22/7, आर है यहाँ पे 0.875, एच है 0.2, एंड घनाभ का एल है 5.5, बी है 10 और एच है घनाभ का 3.5। तो एक्स इजिकल इन सारे को इजुकल के उस पार भेज देते हैं, यानी 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये साथ नीचे था बराबर के उधर गया तो ऊपर हो गया 22, 0.875, 0.875 इंटू 0.2, इसको हटाए 10, इसको हटाए 10, दशमलव हटा रहे हैं, इंटू इसको हटाए 1000, इसको हटाए 1000, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब इन सारे को गुणा करेंगे, यानी 55 इंटू
टेन इंटू 35 इंटू 7 इंटू 1000 इंटू 10 तो आएगा 13475 एंड 6 जीरोस 1 2 3 4 5 6 बाय 22 इंटू 875 इंटू 875 इंटू 2 आएगा 3 3 6 8 7 5 0 0। ये जीरो कट गया। अब ये कट जाएगा 400, यानी एक्स निकल गया 400। हमने यहाँ क्या माना था? माना सिक्के को पिघलाना पड़ेगा एक्स, यानी उस घनाभ को बनाने के लिए, उस पूरे घनाभ को बनाने के लिए ये इस जैसा कितने सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, तो 400 सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और चैप्टर था 13.3। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।